वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। वंस अगेन सॉल्ट नंबर 4 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। यहाँ तो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालकर सॉल्ट में देखा, कुछ नहीं आया। कंसनट्रेट डालकर देखा तो वाइट फ्यूम्स आ रही थी, जो कि क्लोराइड या क्लोरीन गैस का प्रेजेंस शो कर रही थी। देन सॉल्ट में हमने डाला नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डाला और उसमें डालकर देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट। कहीं भी जब भी आप कोई सॉल्यूशन डालते हैं तो उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना ना भूलें, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। नाउ फॉलोड बाय सिल्वर नाइट्रेट हमने डाला, HNO3 का डालना ज़रूरी है। देन आप डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट कन्फर्मेटरी कन्फर्म करने के लिए क्लोराइड आयन्स का। तो एज द सॉल्यूशन इज शोइंग द वाइट प्रेसिपिटेट विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन इन द सॉल्ट। एक कन्फर्मेटरी टेस्ट तो ये है क्लोराइड का। अब हम दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट करने जा रहे हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। टेक द सॉल्ट इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत पॉपुलर है ये टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट। कन्फर्मेटरी जब भी क्लोराइड का करना हो तो हमें सिल्वर नाइट्रेट या क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जरूर करना चाहिए। अब हम सॉल्ट लेने के बाद उसमें डालेंगे कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड थोड़ा सा डाल देंगे उसमें पोटेशियम क्रोमेट। सॉल्यूशन येलो हो गया। अब इसे थोड़ा हीट करेंगे ताकि क्रोमाइल क्लोराइड की वेपर्स अच्छे से निकलने लगे। कभी भी टेस्ट ट्यूब को अपने फेस की तरफ या किसी के भी फेस की तरफ नहीं रखना चाहिए। टेस्ट ट्यूब हमेशा टिल्टेड वे में रखनी चाहिए ताकि उसमें से जो भी वेपर्स निकले वो साइडवेज जाएं और स्प्लिट होकर लिक्विड आपके ऊपर या किसी और के ऊपर ना गिरे। अब आप देख रहे हो यहाँ येलो वेपर्स निकलनी शुरू हो गई हैं, टेस्ट ट्यूब की वॉल भी येलो होनी स्टार्ट हो गई है। दिस इज ड्यू टू क्रोमाइल क्लोराइड। अब इन वेपर्स को हम NaOH के सॉल्यूशन में पास करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब में दूसरी, और उसमें हम उन वेपर्स को इस टाइप से अरेंजमेंट करते हैं कि सारी वेपर्स जो है वो उसमें चली जाएं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो कलर का सॉल्यूशन हो गया है NaOH का। दिस इज ऑल्सो शोइंग द कन्फर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन योर सॉल्ट। चलिए अब देखते हैं कि यदि ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो देन आप कैसे प्रोसीड करेंगे। टेक अगेन द सॉल्ट इन द टेस्ट ट्यूब, जैसे इन्होंने अभी किया है। आप ऐसे नहीं करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे थोड़ा, क्योंकि करने के बाद ही कुछ चीज़ें समझ आती हैं बच्चों को। तो सॉल्ट स्प्लिट नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, डोंट वेस्ट द सॉल्ट। इसमें हमने डाला कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड थोड़ा हीट किया, क्योंकि एज सच जल्दी इतनी रिएक्शन नहीं होती और वेपर्स आपको इतनी डार्क नज़र नहीं आएंगी ब्रोमीन की। तो थोड़ा सा पेशेंसली इसे हीट करिए। देखिए धीरे धीरे, देखते ही देखते आप ऑब्जर्व करेंगे डार्क ब्राउन वेपर्स विल कम आउट इन फ्रॉम द सॉल्यूशन। पूरी टेस्ट ट्यूब धीरे धीरे डार्क ब्राउन वेपर से भर जाएगी एंड दिस इज अ ब्रोमीन वेपर, ब्रोमीन गैस निकल रही है इसमें से। तो दिस इज कन्फर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन इन द सॉल्ट। अब इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे बाय एडिंग द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन दिस सॉल्यूशन। आप इसी में ही कन्फर्म कर सकते हैं बाय एडिंग सिल्वर नाइट्रेट इन दिस सॉल्यूशन।
सिल्वर नाइट्रेट डस्ट सॉल्यूशन डालते ही येलो प्रेसिपिटेट आएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। साथ साथ बेटा ये भी ध्यान रखिए कि प्रेसिपिटेट किस कलर का और किस कंपाउंड का आ रहा है। तो सिल्वर ब्रोमाइड इज शोइंग द प्रेसिपिटेज ऑफ येलो। अब इसे कंफर्म करने के लिए हमने थोड़ा सा अमाउंट इसका लेना है प्रेसिपिटेट का किसी और टेस्ट ट्यूब में, बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे। ये इन्होंने ज़्यादा ले लिया, अभी कम करेंगे वापस एंड देन थोड़ा सा लेंगे सॉल्यूशन एंड उसमें डालेंगे हम नाइट्रिक एसिड। यदि वो डिजॉल्व हो जाता है प्रेसिपिटेट तो वो ब्रोमाइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। तो नाइट्रिक एसिड डालकर देखा। चलिए अब करते हैं सॉल्ट में कैटायन का टेस्ट। तो बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम का टेस्ट आपको दिखाने जा रही हूँ जो कि फोर्थ ग्रुप में आते हैं, और इसी सीक्वेंस में हमें टेस्ट करके देखना चाहिए। बेरियम पहले, बेरियम टेस्ट किया जाता है फिर स्ट्रॉन्शियम एंड देन कैल्शियम। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द टेस्टिंग ऑफ बेरियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम के सारे सॉल्ट्स आपके पास होने चाहिए यहाँ पर। अमोनियम कार्बोनेट सेकेंड ग्रुप के बाद थर्ड ग्रुप से आपका अमोनियम का जो सॉल्ट्स हैं वो आपके कॉमन आयन इफेक्ट देने लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेरियम का टेस्ट। ये तब करेंगे जब आपका थर्ड ग्रुप तक एब्सेंट हो जाता है, सॉल्ट में कोई एनायन नहीं है, सॉरी कैटायन नहीं है, देन आप बेरियम कैल्शियम का टेस्ट करके देखेंगे। हमेशा सॉल्ट का पहले एक्वस सॉल्यूशन बनाइए। आपके कोर्स में जितने भी सॉल्ट हैं दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल एंड वाइट इन कलर। अब इसमें डालेंगे हम सॉलिड फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का कभी भी लिक्विड फॉर्म नहीं डालना चाहिए, एक्वा सॉल्यूशन नहीं डालना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड ज़्यादा डालना है क्वांटिटी में एंड सॉलिड फॉर्म में डालना है। एंड उसके बाद डालेंगे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इतना डालना है कि अमोनिया की स्मेल आने लग जाए एंड फॉलोड बाय अमोनियम कार्बोनेट अगेन इन द सॉलिड फॉर्म। तो तीन आपको यहाँ पर कंपाउंड्स ऐड करने हैं सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम कार्बोनेट। अब आपको यदि ये डालने के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है सॉल्यूशन में, अब देखिए इन्होंने सॉल्ट डालने से पहले क्या किया, नीचे फिल्टर पेपर लगा लिया। दिस इज द प्रिकॉशन वाइल डूइंग द सॉल्ट एनालिसिस कि आपका सॉल्ट इधर उधर, कंपाउंड कोई भी सॉल्ट हो या कंपाउंड हो, वो कहीं इधर उधर गिरना नहीं चाहिए। वाइट प्रेसिपिटेट आ गया है, उसे फिल्टर कर लेंगे। ये शो कर रहा है कि फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, तो हमने फिल्टर कर लिया। और कुछ साइड में वॉल के लगा हुआ रह जाता है वो भी आप कलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे एसिटिक एसिड और थोड़ा सा बॉयल ऑफ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हम इसे अब बॉयल कर रहे हैं सॉल्यूशन को ताकि CO2 एक्सेस वाली सारी निकल जाए। और फिर उस सॉल्यूशन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट से, पहले पार्ट से आप बेरियम का टेस्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट से स्ट्रॉन्शियम का टेस्ट करेंगे एंड तीसरे पार्ट से आपको करना है किसका, कैल्शियम का टेस्ट। तो पहले बेरियम के टेस्ट के लिए आपने पोटेशियम क्रोमेट डालकर देखा है, इसमें डार्क येलो प्रेसिपिटेट आए तो बेरियम होगा, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर तो सॉल्यूशन ही येलो हो गया, तो दैट इज नॉट शोइंग द प्रेजेंस ऑफ बेरियम। सेकेंड पार्ट में हम अमोनियम सल्फेट डालकर देखेंगे। तो ये भी यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट आए तो स्ट्रॉन्शियम प्रेजेंट है इसमें। अब इसका मतलब यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट आया था तो स्ट्रॉन्शियम ही कंफर्म हो रहा है, उसका हम कंफर्मेटरी टेस्ट फ्लेम टेस्ट करेंगे। बेरियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम तीनों ही फ्लेम टेस्ट से कंफर्म किए जाते हैं। तो उसके लिए डाइल्यूट HCl आपने लिया और उसमें डालकर आप उसे फ्लेम पर प्लेटिनम वायर से फ्लेम पर जलाकर देखेंगे।
इफ द प्रेजेंस ऑफ क्रिम्सन रेड फ्लेम तो स्ट्रॉन्शियम होगा। चलिए अनअकैडमी एसेंट की बात करते हैं, थोड़ा आपको बताती हूँ। अनअकैडमी एक बहुत अच्छी चैंपियनशिप का प्रोग्राम दोबारा लॉन्च कर रहे हैं इस महीने जनवरी 10 तारीख को। तो जनवरी 10, 2021 में आप जो है इसे अटेंड कर सकते हो। टाइमिंग रहेंगे 11 बजे से 12 बजे तक। कैसे करना है इसे, पहले अपने आप को एनरोल करना है अनअकैडमी की, डाउनलोड कर लीजिए ऐप एंड जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उससे आप अपने आप को एनरोल करिए, जिसमें नेम, रोल नंबर, क्लास या आईडी वगैरह, सॉरी रोल नंबर तो नहीं, आईडी वगैरह सब फिल करनी होगी। और टाइम टू टाइम आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि किस टाइम होने वाला है, क्या है सब सिलेबस। सिलेबस इसमें एनसीईआरटी का ही रहना है और कुछ आपको लर्न करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। तो आप एसेंट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया चैंपियनशिप 10 तारीख को, एंड ज्वाइन करिए। टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे वहां पर। यदि आपके किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम भी है यदि या कुछ नहीं भी आता तो आपके टॉप एजुकेटर्स आपको टाइम टू टाइम वहां पर गाइड भी करने के लिए रेडी रहते हैं। तो जरूर ज्वाइन करिए।